हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑथेंटिक 365। आज हम क्विक एंड इजी स्नैक रेसिपी सीरीज में बच्चों की फेवरेट डिश चाउमीन बनाने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नूडल्स उबाल लेते हैं। नूडल्स उबालने के लिए एक कढ़ाई ले ले और उसमें नूडल्स डूबते जितना पानी डाल ले। अब इसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1 से 1.5 टेबलस्पून तेल डाल ले और ढक के एक उबाल आने दे। पानी उबल चुका है, अब इसमें नूडल्स डाल लेंगे और इसे ढक के पका लेंगे। नूडल्स अच्छे से पक चुके हैं, अब हम इसे स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे। अब नूडल्स को ठंडे पानी से एक बार रिंस कर ले ताकि एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए और आपस में चिपके भी ना। अब एक कढ़ाई ले ले और उसमें 3 से 4 टेबलस्पून तेल डाल ले। तेल गर्म होने पर 6 से 7 बारीक कटे लहसुन डाल के हल्का ब्राउन होने तक चला ले। अब इसमें 3 से 4 बीच से कटी हरी मिर्च, 1/2 इंच बारीक कटा अदरक डाल के हल्का चला ले ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। अब इसमें 1/2 शिमला मिर्च लंबे कटे हुए डाल के चला ले। अब इसमें 1 मीडियम साइज प्याज लंबे बारीक कटे हुए डाल ले और इसे ट्रांसल्यूसेंट होने तक चला ले। आप चाहे तो इसमें पत्ता गोभी और गाजर भी डाल सकते हैं। अब इसमें नमक स्वादानुसार डाल ले और 1 टेबलस्पून काले मिर्च डाल के हल्का चला ले। ध्यान रहे, हमें प्याज और शिमला मिर्च को पकाना नहीं है, बस 2 से 3 मिनट सौते करना है। अब इसमें 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून टमाटो सॉस डाल के इसे अच्छे से मिला ले। अब इसमें नूडल्स डाल ले और मिक्स कर ले। गर्मा गर्म चाउमीन सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको ऑथेंटिक 365 की ये क्विक एंड इजी स्नैक रेसिपीज पसंद आई हो, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अगली इजी रेसिपीज जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप कुकिंग, कीप स्माइलिंग।